बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जी काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज एक बज चुका है तकरीबन, और तकरीबन 10-12 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज अपडेट देता हूँ शेड की भी और जो शामू चूज़े वगैरह हैं उनकी भी। ये मैं कमरे में ही हूँ ऊपर छत पे। तो सबसे पहले जी अभी मैंने इनको खुराक डाली है। ये जो 5 देसी चूज़े निकले हुए हैं ये बाहर फिर रहे हैं, इनको थोड़ी आज खुराक डाल दी है। वो जो नए चूज़े निकले थे जिसमें एक शामू का चूज़ा भी था, वो ये हैं जी। ये देखें माशाल्लाह, ये भी तकरीबन कोई 5-7 दिन के हो चुके हुए हैं। ये देखें, ये एक शामू का चूज़ा निकला है, बाकी ये देसी हैं 4-5, बल्कि ये छठा ये है। इसमें से एक चूज़ा एक्सपायर हो गया था। ये देखें शामू का चूज़ा माशाल्लाह, ये इसके साथ फिर रहे हैं। उसके अलावा जी वाइट शामू के चूज़े ये हैं जी, इनको खुराक डाली है, खुराक खा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, इनका भी बेहतरीन साइज़ हो चुका है, ये देख लें। उसके बाद जी अब ये एक जो शामू के जिससे निकले थे ये वाले वाइट चूज़े, वो मुर्गी फिर रही है, वो अंडे देना शुरू हो गया। ये उसका अंडा इसका इधर पड़ा हुआ है। तो अब एक बज गया, तो ऊपर शेड में मुर्गियों के खुराक का टाइम भी हो चुका है, और ऊपर चलते हैं खुराक लेके। तो दूसरे नंबर पे ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आज अंडे कितने आए हैं। वो भी अंडे भी कलेक्ट करेंगे और उनको खुराक भी डालते हैं। तो ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा जी आज की कमरे की अपडेट है। तो अब ऊपर जा के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर आ गया हूँ जी। ये पिंजरे में मुर्गे हैं, 4 जो अलहदा किए हुए हैं, इनको भी थोड़ी खुराक डालते हैं। ये ऊपर शेड में जी मुर्गियाँ हमारी माशाल्लाह। अब पहले इनको खुराक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो है अंडों की कलेक्शन करते हैं, देखते हैं आज कितने अंडे आए हैं। ये जी हमारी खुराक है, तो इसी बर्तन में अंडे कलेक्ट कर लेंगे। अंदर चलते हैं शेड में और इनको खुराक डालते हैं। एक बज चुका है, खुराक का टाइम हो गया, इसीलिए मैं इसी टाइम आया हूँ ताकि खुराक भी डाली जा सके और अंडों की कलेक्शन भी हो जाए। ये जी माशाल्लाह, आज जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब हमें 19 अंडे जो है वो कलेक्ट हुए थे, जिसमें मैंने आपको बताया भी था बीच में कोई 4-5 मुर्गियाँ भी अंडे नहीं देती। तो आज देखते हैं जी कितने अंडे जो है हमें रिसीव होते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे माशाल्लाह 23 तक अंडे रिसीव होना शुरू हो गए थे। 23, 22, 21 रूटीन में अब तो 20-21 अंडे तो नॉर्मल रिसीव हो रहे हैं। तो आज फिर देखेंगे। अब पहले इनको जो है खुराक डाल लेते हैं ताकि ये खुराक खा लें। बर्तन इनका जो है ये गंद वगैरह, तो शिट सारी उसने खुराक मुर्गी ने जी इधर गिरा दी है। ये देख लें, ये ऊपर भी गिरा दिया इसने, ताकि क्योंकि अब उनके खुराक का टाइम हुआ पड़ा है ना, इस वजह से ये कर रही हैं ऐसे। चले खैर है, वो उधर से खा लेंगी, उसका कोई इशू नहीं है। वो पिंजरा उठा देता हूँ, उधर से खुद ही चुग लेंगी। तो अभी बर्तन इनके साफ़ करते हैं और बाकी की खुराक इधर डालते हैं। ये देख लें, इसमें तो डाल देते हैं, ये साफ़ हो गया। ये ले, अब इसको साफ़ करके इसमें भी डाल देते हैं, इसको साफ़ करके इसमें भी डाल देते हैं। क्योंकि जब ये खुराक का टाइम होता है तो फिर आपको पता ही है मुर्गियाँ एकदम से अटैक करती हैं। आज हमारी मुर्गियाँ जी माशाल्लाह शेड में, आज तो नहीं खैर, नई मुर्गियाँ जो हैं ये शेड वाली, इनमें से 3-4 मुर्गियाँ भी कुड़क हो चुकी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। उनको उठाते हैं ताकि वो भी खा लें, खुराक खा लें। ये जी इधर थोड़ी डली है, इधर डालते हैं, इधर बिल्कुल थोड़ी डली थी, इधर भी डाल देते हैं। ये ले, ये जी खाली हो गई। ये अब मैं पिंजरा उठा दूंगा, इधर से खुद ही चुग लेंगी, ये इन्होंने इधर गिरा दिया। अब जो है कुड़क, 3 मुर्गियाँ कुड़क हुई हैं इस टाइम पे, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी माशाल्लाह, 7 अंडों का ढेर भी लगा हुआ है। एक ये कुड़क हुई है, एक ये है, और एक खुद ही उठ गई है। किधर गई, एक मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली है। मेरा ख्याल है ये वाली कुड़क हुई है, ये वाइट वाली। तो अब जी खुराक डाल दी हमने, इनका पानी भी चेंज करना, वो भी करते हैं, और साथ में अब हम अंडों की कलेक्शन कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो है ताकि अंडे ख़राब ना हों और अंडे टूट भी ना जाएं। तो चलते हैं देखते हैं जी। सबसे पहले जी कूलर में भी देती हैं, कूलर में देख लेते हैं कितने अंडे हमें अगर मिलते हैं तो। ये लें जी, आज इधर से हमें कोई अंडा नहीं मिलना, खाली है ये। अब इधर जो है मुर्गियाँ कम ही अंडे देती हैं, ज़्यादातर वो क्रेट्स के अंदर ही देती हैं। उधर मैंने एक बड़ा क्रेट भी ला के एक और फालतू रख दिया,
बड़ा बड़े वाला, क्योंकि छोटे क्रेट में मुर्गियां बहुत ज़्यादा तंग होती हैं, क्योंकि इनके अंडों देने का टाइम जो है वो तकरीबन 10-11 बजे के आसपास होता है। वो देखें, वो कुड़क वाली भी उठ रही है दाना खाने के लिए, ये देखें, इसको भी उठा देते हैं ताकि ये भी दाना खा ले। चलो भी उठ जाओ, चलो 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 चलो। वो देखें जी, माशाल्लाह अंडे का ढेर लगा हुआ उसके नीचे भी, इसको इधर थोड़ा कर देते हैं ताकि ये दाना वगैरह खा ले। चलें जी, अंडे कलेक्ट करते हैं। ये माशाल्लाह पहले क्रेट में से वो वाला जो है कोने वाला बड़ा क्रेट मैंने रखा है, ये मैंने कल परसों ही रख दिया था, क्योंकि छोटे क्रेट में मुर्गियां बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, मुर्गियां ज़्यादा हैं इस वजह से। तो पहले क्रेट में जी हमें माशाल्लाह 4 अंडे मिले हैं, ये दें जी। अब क्योंकि 3-4 मुर्गियां कुड़क हुई हैं, इस वजह से जो है अंडे, जाहिर सी बात है, 4 मुर्गियों के अंडे डेली के हिसाब से 4 अंडे कम हो जाएंगे, तो इसी वजह से जो है अंडे भी 4 अंडों के हिसाब से तकरीबन डेली के 18-19-20 अब रिसीव हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी तब मुझे 19 रिसीव हुए थे, और उसके बाद जो है बाद के दिनों में मैक्सिमम 23 तक गए हैं अभी तक, जिसमें से 3 मुर्गियाँ जो हैं अभी तक अंडे नहीं दे रही, छोटी हैं, ये देखें। तो जी 4 पहले क्रेट में से मिल गए हैं, इधर देखते हैं, माशाल्लाह इधर भी ढेर है। इधर हमें कितने मिले हैं, 5 अंडे इधर से मिले हैं, ये 9 हो गए। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये प्लास्टिक के अंडे हैं, डमी एग्स हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने ये शेड के अंदर फेंके हुए हैं ताकि अंडे जो मुर्गियाँ हैं उनको वो अंडे खाने की आदत ना पड़े। तो ये अब हो गए, इसमें से 8 अंडे हमने कलेक्ट कर लिए, ये 9वां हो गया। उधर चलते हैं, उधर देखते हैं कितने मिलते हैं। ये जी इस क्रेट में हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये फर्स्ट वाले क्रेट में ज़्यादातर मुर्गियां जो हैं वो आगे जो क्रेट पड़े होते हैं, शुरू वाले क्रेट में कम ही अंडे मिलते हैं, आगे वाले क्रेट्स में ज़्यादा मिलते हैं। इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, ये बड़े क्रेट में देखते हैं। माशाल्लाह इधर देखें जी, ढेर काफ़ी लगा हुआ है। ये हमें मिल गए हैं जी 9 अंडे, इधर मिल गए हैं उधर क्रेट्स में से, 2 क्रेटों में से। अब ये इधर में देखते हैं कितने हैं जी, इधर हमें 7 अंडे पड़े हुए हैं जी, 9, ये 2, 10, 11 और ये देखते हैं 11 और 3 14 और 2 16। अभी ये 16 अंडे कम है, अभी मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 2-3 अंडे और मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी खुराक डाली है तो अभी आज अंडे कम आए हैं, 16 अंडे आज मिले हैं। ये तकरीबन 17-18-19 अंडे डेली के मिल रहे हैं, 18-19, कल जो हैं वो मिले थे 18, तो परसों 19 मिले थे, उससे पिछले दिन 20 मिले थे, तो ये 16 अंडे हैं, ये कम है। अभी मुर्गियां और अंडे देंगी, मेरा ख्याल है 2-3 अंडे अभी मज़ीद और आएंगे, तो ये खुराक खा लेंगी, उसके बाद जी ये कोई ना कोई 2-3 अंडे और मिलेंगे लाजमी। तो अब ये जो खुराक इधर गिरा दी है इन्होंने, इसको पिंजरे को साइड पे कर देते हैं ताकि ये जो है वो खुराक खा लें, इधर से भी चुग लें, ताकि क्योंकि नीचे आपको पता है कि बुरादा डाला हुआ है, तो अदरवाइज़ ना इसको साइड पर किया तो वो ख़राब हो जाएगी खुराक। इसको साइड पर करते हैं, ये ले, ये पिंजरे में से ईंट पड़ी हुई है, इसको निकालते हैं बाहर पहले। ये इसमें जो आपको पता है वो 2 छोटे मुर्गे वाइट कलर के बंद किए हुए थे, वो जी ज़िबा कर लिए हैं मैंने, तो इस वजह से ये खाली हो गया है। इसको साइड पे कर देते हैं अब, बल्कि इसको इसके ऊपर ही रख देते हैं कूलर के, क्योंकि अभी इसका फ़िलहाल इधर ये फ्री पड़ा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है नीचे। ये ले, जगह भी खुली हो गई अब, और ये इधर से सारी खुराक भी चुग लेंगी। ये भी नीचे फेंक देते हैं इधर से, ये इधर मुर्गियों ने खुद ही इधर से खा खू लेनी है। ये ले, अब बेहतरीन हो गया, इधर से सारी चुग लेंगी, ये देखें। अब इनका जो है वो पानी भी चेंज करूँगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, अंडों के हवाले से शेड की अपडेट, और बाहर वालों को भी ये खुराक डालनी है मुर्गों को, उनको भी डालते हैं। ये बाकी आज की जो है वो मुर्गियों की शेड की अपडेट थी, रूम की अपडेट थी, शामू चूज़ों के बारे में भी बता दिया मैंने। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर वीडियो आती रहें, क्योंकि कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो वीडियो डेली नहीं बन पाती, इस वजह से जो है वो वीडियो लेट हो जाती है। आज तकरीबन जो है वो 10-12 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद है जी वीडियो अब आती रहेंगी। तो देखते रहिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।